श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए, डॉक्टर गीता रानी। तो आइए देखते हैं मंडल प्रभारी अजय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। विश्व हिंदू महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन चित्रकूट राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। प्रांतीय अधिवेशन में सर्वसम्मत से 18 प्रस्ताव पारित हुए। विश्व हिंदू महासंघ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी का निर्देश हुआ है कि वो 8 प्रस्ताव को सभी पदाधिकारी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर इन प्रस्ताव के लिए निवेदन करेंगे। डॉक्टर गीता रानी ने बताया कि आज मैंने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है कि जिसका विषय है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कृपा करें। यहाँ पर 18 प्रस्ताव पर सहमति है। हमारे परम आदरणीय भिखारी प्रजापति जी, प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ, ने निर्देश दिया है कि 18 प्रस्ताव में से 8 प्रस्ताव को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा। आज मैं एक पत्र लिख रही हूँ जो प्रस्ताव नंबर 3 है और इसका विषय है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिग्रहण से मुक्त कराया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप इन दोनों मंदिरों को, श्री कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ मंदिर को, अविलंब मुक्त करें। मैं माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने श्री रामलला के जन्मभूमि अयोध्या में इतना भव्य और अलौकिक मंदिर बनवाया है जिसके लिए हमारी पीढ़ियाँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेगी। यह एक मंदिर नहीं है, आपने एक इतिहास रचा हुआ है। मैं पुनः करवट निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से रामलला के मंदिर को आपने मुक्त कराया, इसी तरह से हमारे त्रिपाठी बिहारी कान्हा जी की श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएं और उसे भी, श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि को भी अलौकिक और भव्य रूप प्रदान करने की कृपा। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।